सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो अगर आप कोई भी इन्फिनिक्स का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो इसमें XOS है, तो आपको हो सकता है कि ऐसा कोई एक प्रॉब्लम आया होगा कि एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, पर इसका जो सॉल्यूशन है लोग को ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम मान लीजिए अगर कोई भी एप्लीकेशन खोल लेते हैं, जैसे कि मैंने इधर प्ले स्टोर खोला और मैं अपने फिंगरप्रिंट पे दो बार क्लिक ऐसे कर देता हूँ या गलती से भी क्लिक हो जाता है, तो हमारा जो ऐप है वो साइड में चला जाता है, इस तरीके से एक छोटे विंडो में चला जाता है। फिर आप बहुत परेशान होते हो कि इसको जो कि फुल स्क्रीन कैसे करें, तो लास्ट में आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप इसको ले जाके स्क्रीन के बॉटम में नीचे में ले जाते हो, तो फिर जाके आपका जो स्क्रीन है फुल स्क्रीन होता है। फिर आपका गलती से अगर फिंगरप्रिंट पे क्लिक हो जाता है या कोई गेस्चर पे क्लिक हो जाता है, तो फिर से ये स्क्रीन जो कि साइड में चला जाता है। तो ये चीज़ आपको बार बार परेशान करता होगा आपके फ़ोन में, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है और इसको जो कि आपको परमानेंटली बंद कैसे करना है, ताकि आपको ये फ़ोन में ये फीचर परेशान ना करे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सिंपली ये पहले हम इसे बंद कर देते हैं यहाँ पे, और सॉरी तो इसे मैंने बंद कर दिया। अब आपको ये फीचर को हटाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का सेटिंग खोल लेना है। सेटिंग खोलने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो कि है इधर एक फीचर मिलेगा जिसका नाम है स्पेशल फंक्शंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्पेशल फंक्शन बोल के एक फीचर है। तो आपको स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद जो कि है सिंपली इधर में देखना है, एक फीचर है लाइटनिंग मल्टी विंडो। लाइटनिंग मल्टी विंडो पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि जैसे कि ये ऑन किया हुआ है, तो अभी हमको इसको ऑफ़ कर देना है। तो अगर हम इसको एक बार ऑफ़ कर देते हैं, फिर उसके बाद आप जो भी करोगे, कोई भी गेस्चर यूज़ करोगे, तो आपका जो स्क्रीन है वो साइड में नहीं लगेगा। तो जैसे कि अभी मैं इसे काट देता हूँ, फिर से मैं वही प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। अब देखिए मैं बार बार अपने फिंगरप्रिंट पे टैप कर रहा हूँ, फिर भी जो मेरा ये ऐप है ये साइड में नहीं लग रहा है, विंडो में नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं जैसे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक दे देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।